नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। जमशेदपुर में एसएफसी के चार गोदामों में बड़ा खाद्यान्न घोटाला हुआ है। चार दिनों से साक्ची, करंडी और बर्मा माइंस की दो गोदामों में जांच के बाद यह खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि करीब 7000 क्विंटल खाद्यान्न का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। दरअसल साक्ची गोदाम में 26000 से ज्यादा बोरा होना चाहिए था, लेकिन मिले महज 17000 बोरे। वहीं बर्मा माइंस गोदाम में 2000 क्विंटल नमक जबकि 250 क्विंटल चावल का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। इस मामले में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी गई थी, जिसके बाद डीसी ने इसकी जांच कराई और इस घोटाले का खुलासा हुआ। एसएफसी का खाद्यान्न कहां गया, इसकी कोई जानकारी नहीं। गरीबों के निवाले पर डाका डाला गया है। गोदाम से तकरीबन 7000 क्विंटल खाद्यान्न गायब हो गए। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को व्हाट्सएप पर इस गड़बड़ झाले की जानकारी मिली। डीसी ने जब इस सूचना की जांच की तो जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 7000 क्विंटल के करीब खाद्यान्न का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जमशेदपुर में एसएफसी के चार गोदामों में यह बड़ा गोलमाल हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी प्रभात का। प्रभात, 7000 क्विंटल खाद्यान्न का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, क्या हो गया? बिल्कुल दीपक, देखिए पहले अपने दर्शकों को थोड़ी जानकारी दे दूं कि ये पिछले दिनों 2 जून को राज्य के जो कृषि मंत्री है बादल पत्रलेख को किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम से ये पूरी कालेबाजारी की जानकारी दी थी। उसके बाद बादल पत्रलेख ने जो जमशेदपुर के उपायुक्त है उसे व्हाट्सएप करके ये सारी चीज़ें की जानकारी दी। उसके बाद उपायुक्त ने जाँच बैठाई और जाँच कल देर रात जाके कम्प्लीट हुआ और इसमें सारी गोदामों के बारे में, एक एक गोदाम के बारे में स्पेसिफिक मेंशन किया गया था कि जिस गोदाम में इतने की गड़बड़ी है, इस गोदाम में इतने बोरी की गड़बड़ है। और उस जांच में पाया गया कि 7000 जो क्विंटल अनाज है वो गड़बड़ी में पाया गया है। साक्षी के गोदाम में जहां जो एफएफसी की गोदाम है वहां पे भी गड़बड़ी पाई गई है और वहां के जो मैनेजर है उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि फिर से गिनती कराया जाए, क्योंकि 3 दिनों से दो तारीख से लगातार गिनती चल रही थी और कई शिक्षकों को लगाया गया था बोरियों की गिनती में, क्योंकि बड़ा गोदाम है। बर्मा माइंस से 2 बड़े गोदाम है, करंडी में 1 गोदाम है, साक्षी में 1 गोदाम है। इन बोरियों की गिनती होने के बाद फिर से वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसमें गिनती में कहीं गड़बड़ी हुई है, लेकिन अभी इसे प्रशासन कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से पूरे इस कोरोना महामारी में जहां राज्य सरकार हर गरीब तक राशन पहुंचाने का वादा की है और हर गरीब तक राशन पहुंचे, उस स्थिति में अगर इस तरीके की कालाबाजारी होती तो बड़ी बात है। राज्य के जो स्वास्थ्य, माफ कीजिएगा, जो कृषि मंत्री है उन्होंने जिस तरीके से संज्ञान लेकर ये कार्रवाई करने का आदेश दिया है, आने वाले 2 दिन में निश्चित है जितने भी गोदाम में जो गड़बड़ियाँ पाई गई है, चाहे वो करंडी की हो, चाहे बर्मा माइंस की हो, चाहे सांची में, उनको जो करंडी के जो ये मैनेजर उनको तो सोकॉज नोटिस भी दिया गया और उसे जवाब मांगा गया है कि आखिर ये गड़बड़ कैसे हुआ। अगर वो सटीक जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन पर निश्चित है कार्रवाई होगी। और 2 गोदामों की अभी जांच फिर से की जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि गिनती में कुछ गड़बड़ हुई है, हो सकता हो ही हो, लेकिन जब अगर इसमें भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो निश्चित है कार्रवाई होना तय है। पिछले साल भी दीपक, मैं बता दूं कि पिछले साल भी इस तरीके का एक बड़ा कालाबाजारी एफसीआई गोदाम से चल रहा था और उसमें भी काफी बड़े पैमाने पर गावड़ घल्ला हुआ था और उसमें कई हजार क्विंटल अनाज जो गायब पाए गए थे, उसके बाद जो 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 कॉन्ट्रैक्ट में चला रहे थे, जिसके द्वारा चलाया जा रहा था, उनको उसे गिरफ्तार किया गया था। उसमें उस वक्त 2-3 लोगों को जेल भी भेजा गया था। तो निश्चित है राज्य सरकार जिस तरीके से कवायद कर रही है कि कोई भी आपदा के समय में अवसर तलाशता है तो वैसे लोगों को नहीं छोड़ना, चाहे वो क्यों ना अधिकारी हो, क्यों ना कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर इस तरीके से गलती करता है तो। और आप समझा जा सकता है इस कोरोना काल में जहाँ केंद्र सरकार 2 महीने का राशन फ्री दे रही है, राज्य सरकार 1 रुपया में चावल, उसके बाद गेहूं, नमक, तेल, ये सारी चीजें दे रही है ताकि जो डेली कमाने खाने वाले की जिंदगी सुचारू रूप से चल सके, उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। अगर उस दरमियान इस तरीके की बड़ी बात होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी जो ऐसे जो गड़बड़ घोटाले करने वाले पदाधिकारी है, चाहे जो भी हो, उस पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। जी दीपक,
तो प्रभात, क्या अंदेशा लग रहा है? बिना मिलीभगत के इस तरह का गड़बड़ झाला, वो भी इतने बड़े स्तर पर, तो संभव नहीं है। और जो पहले किया जा चुका है, उन मामलों में अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद इस तरह के जो व्यवहारिक तौर पर इस गड़बड़ झाले में खुद को संलिप्त कर लेते हैं, उनका एक तरह से ये चरित्र ही बन जाता है। अगर पहले की घटनाओं में कठोर कार्रवाई होती तो वो दोबारा हिमाकत नहीं करते ऐसे करने की। कोई भी व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई को लेकर हिमाकत नहीं करता। ऐसे में कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? बिल्कुल दीपक, देखिए, जो मैंने पहली पिछले साल की घटना के बताई थी, उस वक्त भी वो ये कार्रवाई की गई थी और उसमें जेल भी भेजा गया था, और उसमें एक बड़े जो वेटलर थे उसे कोलकाता से गिरफ्तार करके पुलिस लेकर आई थी, क्योंकि उसके के द्वारा उस समय जो बोरियों में जो गोदाम का जो लेबल होता है वो लेबल अपने यहाँ बनाता था, मशीन रखा था, तो कितने बड़े घोटाले हो रहे थे। तो उस समय प्रशासन ने एक्टिव हुए थे और उसमें उसे कलकत्ता से लाकर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। लेकिन एक साल बीत गया, साल बीतने के बाद ये जो कार्रवाई जो FCI गोदाम की जो है, ये हर समय देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला, जो FCI के मैनेजर होते हैं वो कहीं ना कहीं संलिप्ता होते, तभी जाकर इस तरीके से इतने इतने बोरियां जो है गेहूं के, चावल के, कहीं बोरी गायब पाए गए हैं, कहीं बोरी ज्यादा हो गए हैं। और जिस तरीके से बादल पत्रलेख को मैसेज दिया गया था, किसी ऐसे अधिकारी है या ऐसे व्यक्ति थे जो इन्होंने पूरी जानकारी थी, और पैसिफिक सांची के गोदाम में यह बताया गया था कि वहां पर एक पानी की टंकी है, पानी के टंकी के पीछे रखा गया है। तो प्रशासन ने जब जांच किया तो सही पाया था, और उसी के आधार पर 2 तारीख से लेकर कल देर रात तक ये कार्रवाई चली, और उसपे जो जांच रिपोर्ट उन्होंने SDO को सौंपा है। और निश्चित है आने वाले दिनों में ऐसे जो पदाधिकारी अधिकारी जो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी। आपने कहा कि कार्रवाई होने के बाद फिर से वो स्थिति होती, क्योंकि ये FCI में ऐसा चलता रहा, इसके लिए निरंतर 6-6 महीना पे स्टॉक की वेरिफिकेशन राज्य सरकार को करानी चाहिए, ताकि ये पता चले, या 3 महीना में पता चल पाए कि जो राज्य सरकार अनाज भेज रही है गरीबों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, गोदाम में कितने स्टॉक है, जो स्टॉक भेजा गया है वो स्टॉक की गिनती कराई जाए, तभी जाकर इस तरीके का जो काला बाजारी है वो रोका जा सकता है और जो गरीबों का अनाज है वो गरीब तक पहुंच पाएगा। जी दीपक, बिल्कुल ये जरूरी है कि जिनके लिए ये अनाज लाया जा रहा है, सरकारी खजाने से पैसा खर्च किया जा रहा है, उन तक अनाज पहुंचे, न कि ऐसे घोटालेबाजों की जेब में वो अनाज बाजार में बिककर पैसे के रूप में पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बड़े घोटाले का खुलासा जल्द किया जाएगा और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।